हेलो व्हाट्सअप टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू सीरीज ऑन रिडक्स टूल किट जी हाँ तो बताना चाहूंगा इससे पहले हमने कंप्लीट कर चुका था हमारा रिडक्स देन हमने देखा रिडक्स थंक एंड उससे भी पहले हम रिएक्ट वर्जन 19 कंप्लीट कर चुके तो अब हमें समझना है वॉट इज रिडक्स टूल किट लेकिन सबसे पहले गाइस मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आप इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करना चाहोगे जिसमें से ऑप्शन वन का वीडियो जो है पहले आप देख लीजिए लेट्स से आपको घर बनाना है एंड आपको लकड़ी की नीड है एंड आपके पास देखो गाइस आप लकड़ी किस तरीके से काट रहे हो सो इधर यू विल चूज दिस वन या गाइस आप इसको ज्यादा प्रिफर करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों बंदे हैं बट ये जिस तरीके से लकड़िया की जो स्लाइसेस कर रहा है एक परफेक्ट तरीके से कर रहा है राइट right? हालांकि ये भी अच्छा दोनों ही अच्छे हैं। सो नाउ, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, दिस इज ऑप्शन ए एंड दिस इज बी खाली ए या बी लिखें अगर आप लिखते तो भी चलेगा इन दोनों में से आप कौन सा सेलेक्ट करते बताओ आई नो हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड टेन परसेंट लोग सभी बी को सेलेक्ट करते तो बताना चाहूंगा ये जो ऑप्शन वन है ये आपका रिडक्स है वहीं गाइस ये जो सेकंड पार्ट है इसको आप रिडक्स टूल किट कह सकते हो क्योंकि गाइस हमारा जो फर्स्ट वीडियो वहाँ पे जिस तरीके से वो काम कर रहा है बहुत मैनुअल काम है एंड ऑब्वियसली उसको बहुत टाइम लगने वाला है बट वहीं अगर उसी काम को करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा टूल मिल जाए तो बेसिकली टूल किट्स मिल जाए तो कितना औसम awesome हो जाएगा लाइफ हमारी कितनी ईजी हो जाएगी डैट्स वाई रिडक्स में अगर आप एक्स्ट्रा पावर एक्स्ट्रा हेल्पर फंक्शन या टूल एड कर दोगे डैट बिकम्स योर रिडक्स टूल किट सिंपल यही है आपका रिडक्स टूल किट एंड रिडक्स में भी ये टूल किट का मतलब भी यही ही है एक्स्ट्रा हेल्पर फंक्शन ठीक है आई होप अब तो कोई डाउट नहीं है रिडक्स टूल किट आपका रिडक्स ही है विथ जस्ट सम एक्स्ट्रा हेल्पर फंक्शन यहां पे देख लीजिए सो so, ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन है आप बहुत क्लियरली देख सकते हो इट्स एन ऑफिशियल टूल सेट फ्रॉम द रिडक्स टीम दैट मेक्स वर्किंग विथ रिडक्स ईजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया एंड अब ये कैसे हो रहा है देखो ना इंस्टेड ऑफ डूइंग मैनुअली भाई खुद से सब कुछ करने से अच्छा लाइक like, जैसे हम एक्शन करते हैं रेड्यूसर्स क्रिएट करते हैं एंड दिन स्टेट इम्यूटिबिलिटी ये सारी जो चीजें हैं आरटीके गिवस दिल्ट इन फंक्शन आरटी के क्या करता कैसे आपको बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करती है डेट हैंडल मोस्ट ऑफ डेट वर्क फॉर यू मतलब ये सब आप आपको करने की नीड नहीं है आर टीके ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगा दिस इज द्यूटी एकदम सिंपल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो इट्स अ शॉर्टकट दैट हेल्प्स यू मैनेज योर एप स्टेट विथ लेस कोड एंड फ्यूअर मिस्टेक्स एकदम बिगिनर फ्रेंडली मजा आ जाएगा आपको ठीक है एंड जितना टाइम आपको लगता था लेट से एक घंटा यहां पे आप कह लो कि आपको हो जाएगा वो 30-35 मिनट में ऑल राइट right. तो थोड़ा सा और समझते हैं वाई रिडक्स टूल किट अब अभी तक तो आपको आइडिया आ चुका है रिडक्स एंड रिडक्स टूल किट में कोई डिफरेंस नहीं है इट जस्ट रिडक्स टूल किट में आपको एक्स्ट्रा हेल्पर फंक्शन मिलता है ताकि आपका जो मैनुअल वर्क था वो अब एकदम ईजी एंड ऑटोमेटिक हो जाए डेट इट राइट बट स्टिल वॉट आर दोज ऑटोमेटिक वाला थिंग सबसे पहले लेस बॉयल प्लेट ऑब्वियस लेगा ऐसे आप देख सकते हो कि ट्रेडिशनल जो रिटक्स था uh, वहाँ पर आपको लॉट ऑफ रिपीटेटिव कोड लिखनी पड़ती थी टू गेट द बेसिक थिंग्स डन बट इन आर टीके वो सारे एक्स्ट्रा कोड जो बॉयलर कोड है वो आपको लिखने की नीड नहीं है ठीक है डोंट वरी हम जब इसको एक्चुअल प्रैक्टिकल करेंगे इन आओ अपकमिंग वीडियो सारा क्लियर हो जाएगा बट इतना आप समझ लीजिए देन सिम्पलर सेटअप इट ऑल्सो ऑटोमेटिकली सेट्सअप योर स्टोव एट सम मिडिल वे थिंग्स लाइक एसिंग एक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं फिर रिमेंबर आई गैस परसों की वीडियो में हमने एसिंक थंक सॉरी रिडक्स थक हमने रिडक्स थंक के बारे में पढ़ा था आप में से बहुतों तो को होता होगा रिडक्स आपने सुना है रिडक्स टूल आपने सुना होगा लेकिन साथ ही साथ रिडक्स थंक एंड रिडक्स सागा इस तरीके से आपने सुना होगा तो बेसिकली दे आर आप मिडिल वे थे जिसमें आप एसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो लाइक एपीआई के डेटा को फेच करना सर्वर का डेटा गेट करना एंड ऑल दो थिंग्स हम ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो देख चुके जरूर चेकआउट करना ठीक है एंड इवन कनेक्ट्स यू टू द रिडक्स डेप टूल्स तो मतलब अगर आपने रिडक्स देखा होगा ना तो गाइस एक तो ये अपने को जो बेसिकली रिडक्स थंक वो हमें चाहिए था अलग से इंस्टॉल करके ये सब वो सब करो देन रिडक्स डेप टूल्स को अलग से हमें करना पड़ यहाँ पे सब कुछ बाय डिफॉल्ट है रिडक्स टूल किट में ठीक है देन बिल्ट इन एसिंक हैंडलिंग ये भी सेम वही चीज़ ही हो गया जहाँ पे ये देखो ना क्रिएट एसिंग थंक मैंने आपको क्या बताया था गाइस मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही आपको बताया लाइक इफ़ यू एवर यूज रिडक्स थंक फॉर एसिंग टास्क लाइक फेचिंग डेटा फ्रॉम एन एपीआई आर्टिक बिल्ट इन फ्यूचर दे रहा जिसका नाम है क्रिएट एसिंग थंक दैट मेक्स इट इवन ईजियर टू हैंडल दोज एसिंग ऑपरेशन या फंक्शंस ठीक है या एक्शंस चलो ये तो आपको पता चल चुका है बट थोड़ा सा और हम समझते हैं एंड एक फ्लो में हम जाते हैं एंड इफ यू ऑलरेडी नो वॉट आई एम गोइंग टू शो राइट नाव तो गाइस आप स्किप कर सकते हो एल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार ये हमें रिडक्स एंड रिडक्स टूल किट की नीड ही क्यों पड़ी अभी तक अगर आपको नहीं मालूम तो ये देखिए कभी भी रिएक्ट में डेटा कैसे फ्लो होता है पता है रिएक्ट में डेटा फ्लो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन आप कह सकते हो कुछ इस तरीके से ठीक है ऊपर से नीचे डेटा फ्लो होता है कभी भी आप ऐसे उल्टा नहीं कर सकते कभी भी आप ऐसे नीचे से ऊपर नहीं जा सकते ठीक है ये हम नहीं कर सकते इट मीन्स पेरेंट में जो डेटा है हम चाइल्ड को बहुत ईजिली पास कर सकते हैं राइट right? बट चाइल्ड के पास जो डेटा पेरेंट को पास करना बहुत मुश्किल है वो तो इसको अब हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं लेट्स से पी सी वन ये जो आप देख पा रहे हो गाइस यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर uh, है इसके पास डेटा है एंड देन ये जो पी सी थ्री है वही सेम डेटा यहाँ पे चाहिए बट गाइस ये जो डेटा है ये तो पेरेंट वन का चाइल्ड है एंड पेरेंट वन इसका चाइल्ड है एंड ये जो पी सी थ्री है भाई वो पेरेंट थ्री का चाइल्ड है तो ये डेटा यहाँ से इसको फिर ये यहाँ से ऐसे ये क्या लव बन रहा है क्या दिल <laughs> जो भी होगा इस तरीके से हम नहीं कर सकते ठीक है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ गाइस इन रिएक्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड प्रॉप ड्रिलिंग अगर आपने कभी ये वर्ड सुना होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मे बी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते व्हाट इज़ प्रॉप डिलिंग होता क्या है कि भाई जो डेटा चाइल्ड के पास था हम ये एज्यूम करते हैं पहले ही भाई चाइल्ड को क्यों ऐसा भाई वो कौन सा मार आ जाए समझ रहे हो वो कहाँ का क्या है जो उसको अलग सा हम डेटा दे क्यों ना जितना भी डेटा लग रहा हम हमारा जो मेन पेरेंट कंपोनेंट है उसको दे देते हैं ताकि कभी भी किसी को भी अगर डेटा चाहिए होगा फॉर आवर एग्जांपल इसको डेटा चाहिए यहाँ पे पी सी थ्री निट्स डेटा राइट तो बहुत इजीली ये जो है ये डेटा इसको पास कर देगा एंड ये डेटा इसको पास कर देगा तो ये प्रॉप ड्रिलिंग कहलाता है जहाँ पे बराबर है बट प्रॉब्लम ये कि जब आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ा हो जाएगा तब इसके पास जो डेटा है वो मुझे इस कंपोनेंट में चाहिए था लेकिन उसके पेरेंट कंपोनेंट को मैंने क्यों डेटा दिया समझ रहे हो यहाँ पे ये जो बेचारा ये जो पेरेंट थ्री है इसको तो डेटा की कोई नीड थी ही नहीं राइट तो हमने इसको डेटा क्यों पास की तो ये तो फंस गया ना तो इसको हम प्रॉप ड्रिलिंग बोलते हैं जहाँ पे जिस कंपोनेंट को डेटा चाहिए भी नहीं उसको भी हमें फालतू का पास करना पड़ रहा है ताकि उसकी जो चाहिए उसको हम डेटा पास कर सके फिलहाल ये तो बहुत सिंपल है लेट्स इमेजिन अगर आप टेन फाइल्स बेसिकली टेन नेस्टेड फाइल्स है एक दो तीन चार पाँच एंड दसवें वाले को चाहिए डेटा एक के पास है तो फालतू का जो सेकेंड थर्ड फोर्थ से लेकर नाइन्थ तक को आपको सबको डेटा पास करना पड़ेगा टेंथ नंबर के डेटा को पास करने के लिए तो जो कि सही नहीं है ठीक है तो ये प्रॉप ड्रिलिंग है तो अब इसको ओवरकम करने के लिए रिएक्ट वालों ने क्या किया गाइस रिएक्ट से भी पहले रिडक्स ने ये काम कर चुका था उसको लाइक रिएक्ट में इंप्लीमेंट करने के लिए दे इंट्रोड्यूस कॉन्टेक्स्ट ए अब होगा ये कि भाई जो डेटा पहले पेरेंट को हम दे रहे थे जो डेटा हम पहले पेरेंट को दे रहे थे नाव वॉट दे डिड कि उन्होंने एक सेंट्रलाइज स्टोर बना दी यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर सेंट्रलाइज स्टोर एंड इस स्टोर में आप सारा का सारा डेटा हम पास आई मीन ऐड करके रखेंगे कल के दिन लेट्स इमेजिन इस पर्टिकुलर को डेटा चाहिए पी सी वन निट्स डेटा तो डायरेक्टली आप देख सकते हो यहाँ से हमने इसको डेटा को यहाँ पे दे दिया लेट्स से दिस पी सी टू निट्स डेटा तो ये डेटा में इस मतलब इसको आप कुछ नहीं करना डायरेक्टली आप देख सकते हो यहाँ पर एक सेकेंड डायरेक्टली है ना यहाँ पे इस तरीके से इस तरीके से हम ये डेटा दे, दे देंगे यहाँ पे कितनी इजीली मतलब अब कहीं किसी को कोई डिपेंडेंसी नहीं है ठीक है एंड सेम वही पीसी बेसिकली इसको अगर डेटा चाहिए तो हम दे दे रहे हैं तो ये जो फंडा है ये रिडक्स का फंडा है एंड सेम आपका रिडक्स भी यही है देखो रिडक्स इज ऑल अबाउट सेम वही कॉन्टेक्स्ट ए तो यहाँ पे भी वी हैव वन सेंट्रलाइज स्टोर जहाँ से सभी के सभी कंपोनेंट जब मर्जी तब डेटा को एक्सेस कर सकते हैं दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर रिएक्ट रिडक्स एंड यही आपका रिडक्स टूल किट है बट विथ एक्स्ट्रा टूल सेट विथ सम मोर एक्स्ट्रा हेल्पर फंक्शन ताकि आपकी लाइफ और ईजी हो जाए वन यू आर डीलिंग विथ योर रिडक्स सिंपल ठीक है और राइट लेट्स सी सम एडवांटेजेस एंड इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा एक कोड दिखाऊंगा एंड वी आर डन विथ आवर इंट्रोडक्शन वीडियो एंड अभी तक तो आपको आइडिया आ चुका है दैट वॉट रिडक्स टूल किट एक्चुअली इज राइट सो सबसे पहले एडवांटेज वही है लेस पॉयल कोड जहाँ पे ऑलरेडी फिर से वही रिपीटेटिव हो रहा है थोड़ा सा बट जरूरी है आपके दिमाग में बार बार सेम चीज़ को घुसा दो ताकि हाँ अच्छा है रिडक्स टूल किट ऐसा है क्या वन आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है इज इट अ लाइब्रेरी इज इट अ फ्रेमवर्क और इज इट समथिंग एल्स नहीं ना तो ये लाइब्रेरी है ना ये फ्रेमवर्क है रिडक्स टूल किट रिडक्स का बस एक हेल्पर फंक्शन है एक एक्स्ट्रा टूल आपको प्रोवाइड किया जा रहा बाकी कुछ नहीं है आप रिडक्स का ही एक पार्ट है रिडक्स टूलकिट। बस इतना आप समझ लीजिए नंबर वन एडवांटेज लेस बॉयलर प्लेट कोड मैं हजार बार बता चुका हूँ ये सिंपल है स्टोर क्रिएट करना एक्सेंस क्रिएटर्स क्रिएट करना ये सब वो सब कुछ करने की नीड नहीं है विथ आर क्रिएट स्लाइस यू कैन हैंडल ऑल ऑफ दिस इन वन प्लेस क्रिएट स्लाइस बस इस फंक्शन को आपको यूज करना बाकी सब हो जाएगा डोंट वरी अभी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा इमेज सो गाइस अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं एंड दैट इज ईजियर टू वर्क विथ स्टेट ठीक है एंड यहां पे एक चीज आप ध्यान में रखिए एंड दैट इज योर इमर लाइब्रेरी तो इमर लाइब्रेरी का क्या काम है गाइस देखो यहां पे आर के यूज अ टूल और अ लाइब्रेरी कॉल्ड इमर अंडर द हुड विच अलाउस यू टू राइट स्टेट चेंजेस लाइक यू आर म्यूटेटिंग द स्टेट डायरेक्टली मतलब जब आप रिडक्स टूल किट में काम करोगे एंड जब आप एक्सेंस के साथ खेल रहे होंगे यू नो तब वहां पे अगर आपको कुछ भी डेटा को अपडेट करना रहेगा आप डायरेक्टली स्टेट को अपडेट कर दोगे वहां पे ऐसा लगेगा जैसे आप ओरिजिनल डेटा को डायरेक्टली म्यूटेट कर रहे हो बट इन रिएक्ट इन रिडक्स हम इम्यूटेबिलिटी का जो रूल है उसको फॉलो करते हैं नहीं डायरेक्टली स्टेट को अपडेट नहीं करना है पहले आप उसका कॉपी दैट्स ऑफ वी यूज दो स्प्रेड ऑपरेटर डॉट 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 स्टेट एंड देन फिर जाके हम उसको अपडेट कर रहे थे यहाँ पे कुछ नहीं है डायरेक्टली स्टेट प्लस वन जो भी वो बेसिकली इंक्रीमेंट की बात हो रही है जो भी है ना लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्चुअल में उसको चेंज कर रहे हैं इमर जो लाइब्रेरी है ना ये मेक श्योर करेगा कि हम ओरिजिनल स्टेट को डायरेक्टली चेंज ना करें वो बेसिकली ये हैंडल कर लेता है आप ये समझ लो कि गाइस हमें कोई लेना देना नहीं है अब वो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है बेटर ए सिंक लॉजिक जैसे अगर आपको डेटा फेच करना हो तो इन रिडक्स वी नीड टू यूज द मिडिल एंड दैट इज योर रिडक्स थंक बट इन रिडक्स टूल किट वी हैव समथिंग कॉल्ड क्रिएट ए सिंक थंक रिडक्स में हमें अलग से वो एक लाइब्रेरी चाहिए रहती थी यू नो रिडक्स थंक बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो आपको देता है एंड दैट इज क्रिएट ए सिंक थंक इट ऑटोमेटिकली हैंडल्स लोडिंग सक्सेस एंड अरेस्टेड फॉर यू सो यू डोंट हैव टू राइट ऑल दोज थिंग मैनुअली मतलब बहुत सारी चीजें यहां पे मैंने बताया ना इससे ही आप समझ जाओ कि लाइक आपकी लाइफ और इजी होने वाली है सिंपल ना ग्रेट डिफॉल्ट्स जैसे आरटी के सेटअप रिडक्स डेप टूल्स मिडिलवेर एंड अदर कन्फ्यूग्रेशन फॉर यू सो यू कैन फोकस ऑन बिल्डिंग यूर ऐप इंस्टेड ऑफ सेटअप या दिस इज इट अब जल्दी से मैं ना आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिखाना चाहूंगा जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हो तो सबसे पहले तो क्या हम एक्शन टाइप्स डिफाइन कर रहे थे बेसिकली नाम फिर हम एक्शन क्रिएटर को क्रिएट कर रहे थे कि हाँ एक इंक्रीमेंट करके होगा हमारा एक्शन क्रिएटर एंड हमें बेसिकली रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट कर ये तो इनिशियल वैल्यू हो गया एंड देन दिस इज आवर रिड्यूसर फंक्शन जहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट में चेक करते कि कौन से केस या कौन से एक्शन को हमें परफॉर्म करना है बेस्ड ऑन एक्शन डॉट टाइप तो लेट से वी हैव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट खाली मैंने इंक्रीमेंट रखा तो ये जो एक चीज़ है ना ये मैं आपको बोल रहा था देखो यहाँ पे जो भी हमारा इनिशियल स्टेट है वो ये है बट आप अगर देखोगे जब हम रिटर्न कर रहे थे इंक्रीमेंट करने के लिए तो पहले हमने यहाँ पे ये थ्री डॉट्स यूज़ किए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे डॉट 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 आप देख पा रहे हो इस जगह पे इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं प्रीवियस जो हमारा स्टेट है या जो हमारा ओरिजिनल स्टेट उसकी हम कॉपी कर रहे हैं एंड फिर उसके अंदर जो भी ये वैल्यू करके प्रॉपर्टी है उसको हम अपडेट कर रहे हैं राइट right? तो यहां पे हम डायरेक्टली म्यूटेट नहीं करें रहे इम्यूटेबिलिटी वाला जो स्टेट साथ साथ अलग से हम बनाने, बना रहे creator अलग से बन रहा है अलग से बन रहा है तो दिस इज योर रिडक्स बट वहीं अगर आप देखोगे सो so सो so यहां पे देखो वी हैव दिस क्रिएट स्लाइस खाली आपको एक क्रिएट स्लाइस ये जो फंक्शन इसको कॉल करना है उसी के अंदर ही आपका नाम आ गया एक्शन टाइप का नाम आपका इनिशियल स्टेट आ गया एंड देन वी हैव दिस रिड्यूसर फंक्शन एंड यहाँ पे कैसे अब आपको वो एक्शन टाइप एंड ऑल की कोई नीड नहीं अब डायरेक्टली आप इस तरीके से फंक्शन यहीं पर ही डिफाइन कर सकते हो लेट से वी हैव दिस इंक्रीमेंट करना है हम एक वैल्यू पास करें स्टेट एंड यहाँ पे देखो इस जगह पे डायरेक्टली स्टेट डॉट वैल्यू ये हम कर ही नहीं सकते इवन रियक्ट में भी वी हैव अ अपडेटेड फंक्शन सेट स्टेट या सेट इंक्रीमेंट या सेट वैल्यू फिर उसको हम अपडेट करते ताकि वो हमारे स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर दे बट यहाँ पे डायरेक्टली जो मेरा ओरिजिनल डेटा है स्टेट डॉट वैल्यू ये देख लो तो बट इमर हैंडल्स इम म्यूटिबिलिटी बिहाइंड द सीन हम लाइक डायरेक्टली चेंज तो नहीं करें बट जिस तरीके से लिख रहा है आपको लगेगा अरे यार ये तो मतलब डायरेक्ट हो गया अब तो इतना सोचना ही नहीं डायरेक्ट कोड लिखो स्टेट को एक से अपडेट करना है ना स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू है स्टेट डॉट वैल्यू प्लस इक्वल टू वन इस तरीके से मैं आप आप चाहो तो इसको कहीं आप पॉज कीजिए आप वन बाय वन देखिए कि क्या आपको सही लग रहा है कितना कुछ हमें यहाँ करना पड़ता था यहाँ पे कितना इजी हो गया इवन यहाँ पे जब हम स्टोर को जब क्रिएट करते थे क्रिएट स्टोर अब यहाँ पे कन्फ्यूज तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इजी हो चुका है इन आवर रिडक्स टूल किट ठीक है सो क्या जब हम कोड करेंगे ना तब आपको बेटर समझेगा फिलहाल थ्योरी में तो मैं भी क्या समझाऊँ अभी आपको इतना है ना बट जितना मेरे एंड से हो सकता था मैंने समझाया ना तो रिडक्स टूल कोई लाइब्रेरी है ना ये कोई फ्रेमवर्क है इट जस्ट अ टूल सेट जिसमें आपको मल्टीपल हेल्पर फंक्शंस मिलते हैं जो आपकी लाइफ को इजी कर देता है व्हेन यू आर वर्किंग विथ रिएक्ट प्लस रिडक्स एप्लीकेशंस ठीक है अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ इसको यूज़ करना है जो भी आपके लार्ज स्केल एप्लीकेशंस होगा वहाँ पे आप इसको यूज़ कीजिए अगर बेसिक और सिंपल रहेगा एप्लीकेशन देन वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट एपी एंड यूज़ रिड्यूसर हुक जो कि आपको रिएक्ट हुक uh, uh, में बाई डिफॉल्ट मिल जाता है तो किस लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करना राइट right? सो यार दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही आई होप वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा क्योंकि फाइनली हमने पूरा रिएक्ट वर्जन 19 देख लिया हमने टेंटेक रियक्ट क्वेरी रिएक्ट क्वेरी देख ली हमने रिडक्स देख लिया रिडक्स थंक देख लिया आ गया वी हैव अ रिडक्स टूल किट और कितना चाहिए भाई एज अ बिगिनर क्या आपको पूरा पहाड़ चाहिए क्या इतना इनफ है एज अ फ्रेशर के लिए मुझे तो लगता है बस जितना हमने सीखा है उसको अच्छे से सीखिए प्रोजेक्ट एक दो अच्छे से बनाइए एंड गो फॉर इट चले जाइए इंटरव्यू देने ठीक है सो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कुछ भी डाउट हो कमेंट करके बताइए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के शेयर एंड प्लीज शेयर जरूर कीजिए इंस्टाग्राम हो फेसबुक में आप मुझे टैग कर सकते हो थापा टेक्निकल इंस्टाग्राम में मैं अपनी स्टोरी में शेयर कर दूंगा लेट्स डू इट ठीक है एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज सेवन लैक् सब्सक्राइबर एंड वी आर वेरी क्लोज टू सेवन लैक्स सब्सक्राइबर सो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा मिलता हूँ कल के वीडियो में टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर